अभी हो रही है बहुत तेज बारिश, काफी तेज बारिश हो रही है, देख सकते हैं काफी तेज बारिश हो रही है और आधे घंटे से बारिश हो रही है। तो चलिए आप सबको लेकर चलती हूँ बारिश में, थोड़े से करते हैं बारिश के साथ एंजॉय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बारिश में भीगना मेरे साथ। तो देख सकते हैं आप सब, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। अभी टाइम हो रहा है 3:30 का और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि ये मेरा पूरा बाहर का जो दरवाज़ा है पूरा भर चुका है पानी से, और मैं यहाँ पर कर रही हूँ पानी के साथ ढेर सारी मस्ती। आप सब भी बने रहिए हमारी वीडियो के साथ एंड फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ पानी के साथ मस्ती, काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब पानी में पैर को फेरना काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो देख सकते हैं यहाँ पर, और आज मैंने पहना है साड़ी। आप सबकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि साड़ी में वीडियो बनाइए, साड़ी में ब्लॉगिंग कीजिए, तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे थे, सबकी रिक्वेस्ट थे, तो मैंने आज सबकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी है। तो आज मैंने पहना है रेड कलर की साड़ी जो काफ़ी सुंदर है और काफ़ी सिंपल है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ पानी के साथ मस्ती। तो देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी बूंदें गिर रही है। किस किस को पानी के साथ खेलना पसंद है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं अभी आप सबको भी भिगोऊंगी। और प्लीज़ यार आप सब थोड़ा सा मुझे टाइम दो, थोड़ा सा वक्त दो, मैं सबकी रिक्वेस्ट जितनी भी है मैं सबकी रिक्वेस्टेड वाली वीडियो सबकी बना दूँगी, सबको अपलोड कर दूँगी। तो बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए आप मुझे, तो एक एक करके मैं सबकी फरमाइश की वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। बस मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। और हाँ, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सको। तो चलो थोड़ी देर में मस्ती करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक आप सब हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। देखा आप सबने, मतलब बारिश बहुत तेज हो रही है, रियली यार बहुत तेज हो रही है, देखो है ना। इसको देखो बारिश का समय, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे बारिश काफी अच्छा लगता है, ये बारिश हो रहे हैं करीबन आधा घंटा से और काफी तेज बारिश हो रहा है। लेती हूँ बारिश की मजी और बनाती हूँ गर्मा गर्म पकौड़ा और चटनी। तो आप सबसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, ओके। और आज तारीख है 14 और दिन है सोमवार का और टाइम हो रहा है 3:30 बज रहा है, देख सकते हैं मौसम मस्ताना, बहुत अच्छा मौसम है, काफ़ी अच्छा मौसम है। किस किस को पसंद है बारिश प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पकोड़ा बनाना। ये बारिश छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा यार, सच्ची बता रही हूँ, ये बारिश छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है मुझे, बस मन कर रहा देखते रहूँ। तो आ गई हूँ मैं किचन में बनाने के लिए लेमन टी चाय। तो पानी जब मेरे गर्म हो गए हैं तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है चीनी, चाय पत्ती। ये पानी में उबाल आ जाने के बाद इसे मैं बंद कर दूँगी। तो दूसरी तरफ मैं तैयारी कर रही हूँ लेमन टी चाय बनाने की। तो अब मैं ग्लास में डालूँगी थोड़ी सी बीट नमक और जलजीरा, तो दोनों को मैंने एक साथ ही मिक्स करके रखा है। और ये है लेमन बस, और मैं चाय को छान कर इसमें डाल दूँगी। और सॉरी मैं कप में नहीं पीती, मैं ग्लास में ही पीती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट कोई ना करें कि आप ग्लास में पी रही हैं। तो देखिए ये मैंने पहनी है बॉबी प्रिंट साड़ी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है।
तो आप सबका रिक्वेस्टेड था कि साड़ी में हंकी टकिन साड़ी करने के लिए, तो वो भी मैं कर रही हूँ। मैं चाय भी खा रही हूँ, पकौड़ी भी खा रही हूँ और आप सबको दिखा रही हूँ, हंकी को टक करके दिखा रही हूँ साड़ी में। तो आप सबकी फरमाइश थी कि हंकी को टक करके साड़ी में ब्लॉगिंग कीजिएगा, तो देख लीजिए फरमाइश मैंने पूरी कर दी है। ठीक है, अब मैं आप सबको दिखाऊंगी कि किस तरह से लग रही है। देखिए, ये मैंने टक कर लिया है हंकी को अपने साड़ी में, और ये साड़ी मेरे पर कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये साड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, बॉबी प्रिंट साड़ी है, रेड और ब्लैक में है और बहुत हल्की सी साड़ी है, बहुत काफ़ी अच्छी लगती है पहनने के बाद। बारिश में मज़े लेने के बाद अब हो गई है मेरी सजा की बारी, तो इसे मुझे क्लीन करना पड़ेगा। आप सब ने देखा ही था कितना ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया था, ये सारे चप्पल ना इधर के उधर हो गए थे बारिश में, तो बस मुझे इसे क्लीन करना पड़ेगा, झाड़ू से पानी से अच्छे से धोना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी मिट्टी है उस उधर का सब इधर आ गया है, तो इसे क्लीन करना होगा मुझे। तो क्लीन कर लेते हैं पहले इसे, अगर मैं नहीं धोऊंगी ना तो सारी मिट्टी जम जाएंगे मॉर्निंग तक। तो अभी मैं, जब भी बारिश होती है इस तरह से भारी भरकम वाली बारिश होती है, तो मैं साथ में तुरंत क्लीन कर देती हूँ। और क्लीन करने के बाद देखिए, अब मेरे हस्बैंड जी धो रहे हैं सब्जी। मेरे हस्बैंड जी मेरे काम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो मैं उधर काम कर रही थी और मेरे हस्बैंड जी सब्जी धो रहे थे। देख सकते हैं पटल है, भिंडी है, डेली सब्जी आता है मॉर्निंग में, तो ये सब्जी मैं मॉर्निंग में नहीं धोई थी, इवनिंग में धो रही हूँ। और पूजा पाठ करने के बाद, घर की क्लीनिंग करने के बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पर बेबी के लिए दूध गर्म करने के लिए। तो दूध गर्म हो गए थे, अब मैं इसमें मिलाऊँगी पीडियाश्योर। पीडियाश्योर मिला कर बेबी को दे दूँगी पीने के लिए, उसके बाद रात के डिनर की तैयारी करूँगी मैं। और आज रात के खाने में मैं बनाऊंगी चना दाल का तड़का, रोटी और आलू का चोखा, तो बस यही सिंपल सा रहेगा, क्योंकि मुझे चना दाल काफ़ी ज़्यादा पसंद है। रात को खास करके रोटी में चना दाल का तड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दूध में मैंने चीनी ऐड कर दिया है, पीडियाश्योर ऐड कर रही हूँ, तो इसे ऐड करके मैं बाबू को दे देती हूँ मिक्स करके, और ये मैं रात के जो खाने में बाबू खाएगा दूध रोटी, तो उसमें भी मैंने चीनी ऐड कर दिया है, जब रोटी बनेंगे तो उसमें डाल दूंगी भीगने के लिए। तो चलिए मैं बेबी को दूध देकर आती हूँ, उसके बाद आप लोग से रात के डिनर में मिलती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया है बाबू को दूध, तो दूध देकर आती हूँ मैं, उसके बाद रात के खाने की तैयारी करूँगी। तो आ गई हूँ मैं अब फिर से किचन में। किचन में आलू को छील रही हूँ चोखा के लिए, आलू का चोखा के लिए, और चना दाल इसमें, मतलब चना दाल के साथ मैं उबालने के लिए डाल दूँगी, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। चना दाल धोकर, आलू धोकर, उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, नमक दिया है थोड़ा सा, हल्दी दिया है थोड़ा सा, और तेल दूँगी थोड़ा सा, उसके बाद दो चार सीटी उबालने के लिए रख दूँगी। उसके बाद मसाला में अच्छे तरीके से इस दाल को फ्राई करके बना दूंगी, बस बन जाएंगे, और चोखा को भी आज मैं फ्राई कर लूंगी। और मैं आप सबको यहाँ पर अपने हाथ दिखा रही थी, मेरे हाथ में आज काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रहा था, पता नहीं ये क्या हो गया है, अजीब सा हो गया, अब काफ़ी ज़्यादा दर्द दे रहा था मेरे हाथों में। तो चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ, इसके बारे में मैं आप सबको बता रही थी, ये जो है ना पता नहीं क्या हो गया, अजीब सा हो गया, काफ़ी ज़्यादा हाथों में तकलीफ़ हो रही है, एक ये छोटा सा फोड़ा मेरे हाथों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। तो हस्बैंड जी को भी मैं दिखा रही थी, देखो क्या हो गया मेरे हाथों में, तो वो बोल रहे थे कुछ हाथों में चुभ गया होगा, लाओ मैं निकाल देता हूँ, तो वो निकालने की कोशिश कर रहे थे पर निकला नहीं, कुछ नहीं निकला। कुछ है क्या जी?
तो देखिए दाल मेरी पक चुके हैं, आलू भी सीझ चुका है। अब मैं इसे तड़का लगा दूंगी। तो तेल मैंने गरम कर लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जीरा और सूखी लाल मिर्च, और दिया है मैंने बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च। इसे अच्छे तरीके से फ्राई हो जाने के बाद इसमें ऐड करूँगी टमाटर। एक बड़ा सा टमाटर ऐड करना है मुझे, तो टमाटर को मैंने काट लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाने के बाद सारे सूखे मसाले को ऐड करना है। तो थोड़ा सा मैंने पानी दे दिया था, मसाले मेरे जल रहे थे, तो इसमें मैंने ऐड किया है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, धनिया, गोलकी, तेजपत्ता पाउडर। और इसे अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद दाल को मैं इसमें ऐड कर दूंगी, बन जाएगा मेरा तड़का। और मैंने दिया है थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा नमक, और चना दाल के तड़का में चीनी थोड़ा सा ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा स्वाद आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है चना दाल का। तो आलू को भी मैंने थोड़ा सा फ्राई करने के लिए रख दिया था। तो ये प्याज और मिर्ची को मैंने फ्राई करके आलू में डाल दिया है, उसे मैं चोखा सान लूँगी। और ये मेरी हो गई है सलाद की भी तैयारी। तो ये मसाले सारे अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद दाल को मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसे कुछ देर तक पकाने के बाद इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला और घी। तो मैंने गरम मसाला को ऐड कर दिया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी घी। देख सकते हैं तो दाल मेरी पक चुकी है, अब हो गई है मेरी डिनर फिनिश, मतलब डिनर का जो काम बनाने का काम है वो फिनिश हो गया। ये है सलाद, आलू का चोखा जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है रात के खाने में, और ये है चना दाल का तड़का, और मैंने बनाई है रोटी। बस यही है आज के खाने में। आज है 14 तारीख, दिन है सोमवार का। तो बस आज का यही है मेरा रात का डिनर। तो मैंने बाबू के लिए यहाँ पर दे दिया है फूलने के लिए किशमिश और बादाम, और हस्बैंड जी के लिए चना और मूंगफली, रात को भीगने के लिए दे देती हूँ, सुबह मॉर्निंग में धोकर खा लेते हैं। हो गया है, मैंने कर लिया खाना पीना कंप्लीट, और किचन के सारे काम भी कर लिए हैं, और चना जो बाबू का होता है, किशमिश और बादाम वो भी दे दिया मैंने फूलने के लिए। अब मैं जाऊँगी फेस को क्लीन करके सोने के लिए, काफ़ी रात हो गए हैं, रात के बज रहे हैं 9:30। तो मेरा सारा काम फिनिश, डिनर भी फिनिश। तो कैसा लगा आप सबको वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और आप सब हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे कल अपने नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ, नई शुरुआत के साथ, नई सुबह के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय।